सभी लोग तैयार हैं? यस सर। देखो बेटा, 25 नवंबर को आपका एक एग्जाम होगा नेट का, नेशनल असेसमेंट टेस्ट होता है, और वो सभी बच्चों का होगा। आपको जैसे कंपटीशन पेपर जिन लोगों दिया है उन्हें पता ही होगा, अगर नहीं पता उन्हें बता दे रहे हैं। ये आपको एक ओमर शीट मिलेगी, उसे आपको सावधानी से भरना है, फिल करना है, नहीं पता तो सर से पूछ लेना है, खुद नहीं करना है कुछ भी, ठीक। और उसमें गलती की बिल्कुल गुंजाइश है नहीं, इसलिए गलती करनी भी नहीं है। ये जो टेस्ट होगा इसका उद्देश्य ये है, ये एक इनिशिएटिव है सरकार ने, जो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक पहल है, वो देखना चाहते हैं हमारे बच्चों ने कोविड के बाद कितना सीखा, उनका स्तर क्या है, उन्होंने कितना सीखा, उसके बाद जो चेंजेस करने होंगे एजुकेशन पॉलिसी में, जो भी उसमें सिस्टम में कि क्या और सीखने के लिए क्या डेवलप किया जाए, उसके लिए नियम है, ठीक है। और सबसे अहम काम इसमें बच्चों के पास है टीचर्स का, क्या है, उनको अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो होगा सरल ऐप, कौन सा, उसमें जो ओएमआर सीट आपकी होगी जिस पर आप आंसर टिक करेंगे, उसे स्कैन करना होगा और उसे अपलोड करना होगा। उसमें पूरा सिस्टम है, इस ऐप को डाउनलोड करें पहले फोन में, उसके बाद में जो बच्चे प्रेजेंट हैं आधे घंटे के अंदर जितने बच्चे आ जाएंगे उन्हीं का एग्जाम होगा, जो समय के बाद आधे घंटे में जो जितने बच्चे आ जाएंगे उन्हीं का होगा, जो नहीं आएगा वो एब्सेंट हो जाएगा, उसका कुछ नहीं करना, वो फोन में आ जाएंगे उन्हीं की लास्ट में स्कैन करनी है। अब आप समझ लें ये दो पार्ट में होगा, कितने पार्ट में होगा, एक होगा एक से तीन के लिए, एक से और एक दूसरा पार्ट होगा जो एग्जाम होगा वो होगा चार से आठ के लिए। तो एक से तीन होगा उसमें बच्चों को कुछ नहीं करना, उसमें सब कुछ करना है टीचर्स को, क्या नहीं करना है, और इनकी जो ओएमआर सीट होगी बच्चों की वो बच्चों के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए है। उस एक सीट में आठ बच्चों का डेटा भर जाएगा, कितने बच्चों का, आठ बच्चों का भर जाएगा। उनसे कक्षा एक में जैसे कितने होंगे, छह प्रश्न होंगे, कक्षा दो में जो बच्चे होंगे उनके लिए नौ प्रश्न होंगे, कक्षा तीन में कितने होंगे, ग्यारह प्रश्न होंगे, और वो एक ही सीट में आठ बच्चे आ जाएंगे, क्लास फाइव छह के लिए अलग, सात के लिए अलग, आठ के लिए अलग। और मान लीजिए कि कक्षा छह में किसी स्कूल 17 बच्चे हैं, मान लीजिए कितने हैं 17, तो उन्होंने एक सीट में आठ आएंगे तो आठ दूनी 16, दो सीट हो गई, और एक बच्चा बचा तो अगली सीट में आएगा, ऐसा नहीं है कि उसी में बढ़ा दिया, वो नहीं करना है। और ना ही छह वाले में सात वाले लिखने हैं, ना ही सात वाले में आठ वाले, सभी क्लासेस की अलग रहेंगी, दूसरी चीज ये, ठीक। तो मैक्सिमम 13 प्रश्न होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपके में छह आएंगे, एक वाले में, दो वाले में नौ, और तीन वाले में 11 प्रश्न आएंगे, और उन्हें आपको बच्चों को अपने आप से, इन लोगों में क्या होगा, इनकी जो ओएमआर सीट होगी वो देखो जिससे दिखाई पड़ रही होगी, ये जो ओएमआर सीट है उसमें क्या है, उसमें केवल ऑप्शन ऐसा गोले बने होंगे ऐसे, उसमें ऑप्शन नहीं होंगे, चार ऑप्शन नहीं होंगे एक से तीन वाले में, अगर आपको आता है तो काला कर दो और नहीं आता है तो छोड़ देना है, ठीक है, वो टीचर्स खुद ही करेंगे, तो बच्चों का नहीं करना है। और जो चार से आठ वाला होगा उसमें चार ऑप्शन होंगे बाकायदा, आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा सही है। बाकी जैसे एग्जाम देते हैं वैसे ये भी है, जो एक से आठ का जो सॉरी एक से तीन का होगा वो 9:30 बजे शुरू होगा, और जो चार से आठ वाला पेपर होगा वो 12:30 से स्टार्ट होगा, उसकी टाइमिंग नहीं दी है जिस टाइम में हो जाए, क्योंकि वो स्कैन भी करने हैं। अब चार वाले में आएंगे 12 क्वेश्चन, कितने आएंगे, पांच वाले क्लास में 13 क्वेश्चन आएंगे, छह वाले में 17, आठ वाले में, सात वाले में 17 और आठ वाले में 18। तो आप लोग इसमें हो तो आप लोगों के इतने इतने आएंगे समझ लो, छह और सात में 17 क्वेश्चन आएंगे और आठ वाले में 18 क्वेश्चन, 18 होंगे मैथ्स और उसके भाषा के, उसी को आपको करना है। पेपर बहुत अच्छा होगा और करते हुए बहुत मजा आएगा, लेकिन करना क्या है बहुत ध्यान से, फीलिंग में गलती नहीं करनी है। उसके बाद टीचर्स का क्या काम है, आपके स्कूल में बाहर से टीचर्स आएंगे वो देखते रहेंगे, पर्यवेक्षक के रूप में, इन्विजिलेटर के रूप में वो देखते रहेंगे आपकी गलती, कोशिश करेंगे आपकी गलती ना हो, और बच्चों को यह ध्यान रखना आप सभी को कि कतई गलती ना करें, जो ना पता हो पूछ लो, इसीलिए टीचर्स होंगे, खुद से गलती नहीं करनी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे फिल कर दें फिर सोचे उसे ऐसे तरह तरह की चीजें लगा के चाकू छुरी उसे काट रहे, वो नहीं सही होता। एक बार आपने उसे फिल कर दिया काले पेन से, एक बार डॉट पेन से, जेल पेन यूज होगा नहीं, काला पेन, केवल ब्लैक पेन, कैसा, काले कलर का पेन, वो भी डॉट वाला, उसका यूज होगा, उसी का प्रयोग करना है और कुछ नहीं करना, पूरा काला करना बोला जैसे करते एग्जाम में वैसे करना है, ठीक। और जो नहीं बताया वो पूछ लेना है, जो टीचर्स हैं उनको क्या करना है, उन्हें ज्यादा बहुत
स्कूल में जहाँ भी जाएंगे जिसके फोन में ऐप होगा वो, या फिर जो परीक्षा जाएंगे उनके फोन में हो गई है, उसके माध्यम से जो बच्चों का जो जिस तरह का डेटा है, जो OMR शीट है, उसे स्कैन करना है और उसे लास्ट में सेव करना है। और इसमें जितने बच्चे आपने स्टार्टिंग में दिखाए होंगे उतने करने, उन्हीं का डेटा सेव करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक में कितने प्रश्न आएंगे? छह। दो में? नौ। तीन में? ग्यारह। छह में? बारह। आठ में? अठारह। ठीक, तो जिसके जिसके क्लास में जितने प्रश्न आते हैं अपने समझ लें, कल की छुट्टी है, उसके बाद आराम से आए और अच्छे से एग्जाम दें। ठीक है, गुड लक।